हेलो चिल्ड्रन, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द थर्ड एंड द लास्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन एंड दैट इज सल्फोनेशन. सो व्हाट इज सल्फोनेशन? सल्फोनेशन मींस एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. सो दिस इज द हेडिंग सल्फोनेशन वी आर गोइंग टू टॉक. सो वेन एवर वी से वी आर गोइंग टू डू सल्फोनेशन, उसका मतलब होता है कि हम सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे. सो एनिलीन ऑन रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म्स फर्स्ट एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, जिसको हीट करने पर हमें जो है क्या मिलेगा, हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट विच इज नोन एज सल्फानिलिक एसिड. ओके, एंड दैट इज एक्चुअली पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड इन IUPAC नॉमेनक्लेचर. सो लेट अस सी द रिएक्शन. एनिलीन इज वॉट? अब तक एनिलीन का फॉर्मूला सबको याद हो गया होगा. फिनाइल ग्रुप पे NH2 इज एनिलीन, राइट? एनिलीन के रिएक्शन कराना है किससे? सल्फ्यूरिक एसिड से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4. और H2SO4 जो है वो डिसोसिएट होकर क्या देता है, तो ध्यान दें, जब भी ये डिसोसिएट होगा हाइड्रोजन आयन जनरेट करेगा, दैट इज H+ एंड HSO4- के दो स्पीशीज जनरेट करता है. जैसे ही H+ जनरेट होता है आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि एनिलीन में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है. ये लोन पेयर क्या करने आएगा, हाइड्रोजन को अपने पास जोड़ने आएगा. और जैसे ही ये हाइड्रोजन को अपने पास जोड़ेगा क्या बना देगा, एनिलीनियम आयन. ठीक है, एनिलीनियम आयन क्या होता है, एनिलीनियम आयन होता है, मैं यहां पर पेंसिल से लिख देती हूँ क्योंकि एक्चुअली एनिलीनियम आयन हमें बनाना नहीं है, बट देखें एनिलीनियम आयन का मतलब हुआ NH3. और ये लोन पेयर खत्म हो गया तो इसके कारण नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा. इसी स्पीशीज को एनिलीनियम आयन कहते हैं. अब इस नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, ये प्लस क्या करेगा, इस माइनस वाली स्पीशीज को अपने पास अट्रैक्ट करेगा. तो इस पूरी स्टेप से आपको यहां प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये देखें, यहां मिलेगा ये एनिलीनियम आयन बन गया था प्लस चार्ज NH3, ये HSO4- को भी अट्रैक्ट कर लेगा और आपके पास ये जो है एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा. ये देखिए, ये एनिलीनियम आयन है एंड दिस इज फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस कैन बी कॉल्ड एज एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट. इस एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट में के लिए अगर NCERT आप रेफर करते हो कि आगे क्या होगा, तो वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जब आप इसे हीट करते हो एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट को एट 453 to 473 केल्विन, तो ये हीट करने पर यहां दो चीजें होती हैं, एक तो वाटर का लॉस होता है और उसके बाद रीअरेंजमेंट हो जाता है इसी मॉलिक्यूल में. तो पहले एलिनीनियम हाइड्रोजन सल्फेट जो आपका बना है वो वाटर का लॉस करेगा और देन इट विल अंडरगो रीअरेंजमेंट. सो लेट अस सी हाउ एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट विल लूज वाटर. सो वाटर लूज करने के लिए सबसे पहले आप देखें कि यहां पर ये रिंग तो मैंने एज इट इज लिख ली है. इसके अलावा जो NH3 स्पीशीज है, यहां से आप एक हाइड्रोजन देखो निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा वाटर के लिए, एक ऑक्सीजन यहां से निकलेगा. और फिर आप देखें जब आपने एक हाइड्रोजन यहां से निकाल दिया तो क्या बचा, NH2 बचा. ठीक, NH2 बचा, इसके बाद रीअरेंजमेंट हो जाएगा और ये जो HSO4 है इसमें से एक ऑक्सीजन हटा दें तो ऑक्सीजन हटाने के बाद क्या बचा, HSO3, तो वो यहां आके यहां पे पैरा पोजिशन पे जुड़ेगा. और इस पैरा पोजिशन पे जो SO3H या HSO3 जुड़ा है ये किसी हाइड्रोजन की जगह जुड़ा है, तो यहां से जो हाइड्रोजन फ्री हुआ जिसकी जगह आकर ये जुड़ा है, तो ये H2O ये पानी निकला. ऐसे मैं फिर से बता देती हूँ, NH3 में से एक हाइड्रोजन निकला, NH2 बचा, HSO4- में से एक ऑक्सीजन निकला, HSO3 बचा, ये जुड़ गया यहां पे,
और HSO3 इस रिंग में जो रीअरेंज होने, देखो ये यहाँ इसके साथ था ना, ये उठ के इसी में यहाँ आ गया पैरा पे, तो ये पैरा पोजिशन पे आया, तो यहां से जो हाइड्रोजन निकला जिसकी जगह ये जुड़ा है, वो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलकर वाटर बन के ये वाटर निकल गया और इसी मॉलिक्यूल में इंटरनल रीअरेंजमेंट हुआ है। ठीक है, अब ये जो स्पीशीज बनी है आपकी रीअरेंजमेंट के बाद, ये है आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट, एंड दिस प्रोडक्ट ओनली इज कॉल्ड एज सल्फानिलिक एसिड। ये इसका कॉमन नेम है। अगर हम इसके IUPAC नेम की बात करें तो इसका IUPAC नाम है पैरा अमीनो। अब देखें, अभी तक तो हम क्या बोलते थे कि ये सब्स्टिट्यूएंट होता था एनिलीन पे, जो भी पैरा पे जुड़ता था, ब्रोमो या नाइट्रो जो पिछली रिएक्शंस में जुड़ा, पर यहाँ पे हमारा मेजर प्रोडक्ट ये हो जाएगा, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा नाइट्रो, जो NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है ये हमारा जो है सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा और हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा पैरा अमीनो, पैरा पोजिशन पे अमीनो, देन बेंजीन एंड सल्फोनिक एसिड। तो इसका नाम हो गया पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दिस इज एन IUPAC। ठीक है, अब इस रिएक्शन में एक बार और रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि यहां पर जो है शिफ्टिंग पॉसिबल रहती है, क्योंकि सल्फानिलिक जो एसिड है उसमें एक एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है, SO3H, ये एसिडिक ग्रुप है। साइमल्टेनियसली इसमें एक बेसिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, NH2। तो हमने कई बार ऐसा पढ़ा है पहले भी, शायद आपने बायो मॉलिक्यूल्स में पढ़ा हो कि अल्फा अमीनो एसिड्स में एक कार्बोक्सिलिक COH ग्रुप होता है, एक NH2 होता है, तो जब एसिडिक बेसिक दोनों ग्रुप होते हैं तो वहां पर प्रोटॉन का ट्रांसफर पॉसिबल होता है और ऐसे केस में ज्विटर आयन बनता है। तो यहां पर भी क्या है, इस सल्फेनिलिक एसिड को भी हम ध्यान से देखेंगे, तो इसमें जो है इसमें एक तो ये NH2 प्रेजेंट है, ये होता है बेसिक नेचर में, और साथ में जो है आपके पास सल्फानिलिक एसिड में क्या प्रेजेंट है, एक एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है, ये SO3H। सो दिस इज एसिडिक ग्रुप एंड दिस वन इज बेसिक ग्रुप, तो एक ही मॉलिक्यूल में एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण ये जो है एक ज्विटर आयन की तरह एग्जिस्ट कर सकता है। कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, इट कैन एग्जिस्ट एज अ ज्विटर आयन, ज्विटर आयन ऑल्सो कॉल्ड एज डाईपोलर आयन। एक ही मॉलिक्यूल में दो पोल्स बन जाते हैं। सो कैसे ऐसा होगा, सो लेट अस सी, बहुत सिंपल सी बात है, इस सल्फानिलिक एसिड में जो है अगर रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है, तो इस रीअरेंजमेंट के कारण यहां पर क्या पॉसिबल है, देखिए ये जो हाइड्रोजन है यहां पर देखो एक लोन पेयर है नाइट्रोजन पे, सॉरी ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इस हाइड्रोजन को बुलाता है, ठीक है, यानी ये प्रोटॉन शिफ्ट पॉसिबल है। तो यहां पर जो आपका ये सल्फानिलिक एसिड है ये इस पर प्रेजेंट NH2 क्या कर सकता है, अपने लोन पेयर के कारण इस हाइड्रोजन को ले करके NH3 एनिलीनियम बना सकता है और यहां आ जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि लोन पेयर हाइड्रोजन को जोड़ने के काम आ गया, और नीचे क्या बचता है SO3-, क्योंकि हाइड्रोजन चला गया है प्रोटॉन के फॉर्म में। तो ये जो स्पीशीज है ये एक ही स्पीशीज में प्लस और माइनस दोनों चार्ज जनरेट हुआ है, दिस ओनली इज कॉल्ड एज ज्विटर आयन, इसी स्पीशीज को हम ज्विटर आयन कहते हैं, राइट। सो द सल्फानिलिक एसिड कैन कन्वर्ट इनटू ज्विटर आयन एज वेल, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज सल्फोनेशन रिएक्शन, जिसमें क्या बनता है, हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है सल्फानिलिक एसिड विच कैन कन्वर्ट इनटू ज्विटर आयन एज वेल। Now, here we end up with the all important chemical reactions of aniline. But one more thing is left. अभी तक के जितने भी हमने organic के chapters पढ़े थे सबकी आखिरी reaction Friedel-Crafts alkylation acylation हुआ करती थी। तो अब हमारे पास एक question आता है कि क्या हम aniline की भी Friedel-Crafts alkylation और acetylation कर सकते हैं, जिस पर board में भी question आता है, एक बहुत important question है। So let us meet in the next video. See me please in the next video for answering the same question. Thank you for watching. I hope the sulfonation of aniline was clear to you. Thank you for watching.